हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। आपकी पढ़ाई का ख्याल रखने के लिए मैं भी आ गया हूँ अपने वादे के मुताबिक मूल कंसेप्ट पर एक और वीडियो बनाने के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, देखिए कलम कॉपी निकालिए और तैयार होइए। ये देखिए यहाँ लिखा है NH3 अमोनिया। स्टूडेंट्स इसको आप कहेंगे एक अणु NH3 है और एक अणु NH3 में कुल परमाणु की अगर मैं बात करूं तो एक नाइट्रोजन के और तीन हाइड्रोजन के चार परमाणु हो गए। तो आप कहेंगे कि अमोनिया के एक अणु में कुल परमाणु कितने हैं? चार। अच्छा, अगर इसमें मैं बात करूं, समझने की कोशिश करिएगा, NH3 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु, देखिए अब NH3 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? तो तीन ही जवाब होगा इसका। अगर इसी NH3 के एक अणु में अगर मैं कह देता कि नहीं, मुझे नाइट्रोजन एटम कितने हैं, तो आपका जवाब होता एक, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? एक। अब आइए थोड़ी सी समझिए, कहीं लिखा हुआ है 10 अणु NH3, तो 10 अणु NH3 का मतलब हो गया कुल कितना परमाणु। तो एक अणु है ये, इसमें चार हैं, तो 10 अणु NH3 में कुल परमाणु 10 × 4 = 40, इतने एटम्स हो गए। लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि 10 अणु NH3 में कुल हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन परमाणु, तो स्टूडेंट्स अब देखिए एक अणु में कितने हैं? तो एक अणु में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? तो तीन हैं। हमारे पास अणु कितने हैं? 10 है, तो इस बार गुना करेंगे कितने से, तो 10 × 3 = 30 एटम। अगर मैं बात करता कि कुल नाइट्रोजन के परमाणु, तो एक अणु में एक नाइट्रोजन है, तो 10 अणु में कितने हो जाएंगे? कुल नाइट्रोजन के परमाणु हो गया 10 × 1 = 10 एटम्स हो गया आपके नाइट्रोजन के। तो अब देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल सा, आपने जब 10 अणु लिया तो उसमें आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर हमें अणु की संख्या पता चल जाए तो उसमें आप निकाल लेते हैं परमाणु कितने हैं। अगर हमें बारी एक एक करके कुल परमाणु न निकाल करके एक एक परमाणु की संख्या भी निकालना हो तो आप निकाल लेते हैं। अब देखिए ये है NH3, ये एक अणु है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कुल इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो जितना परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर है कितना, तो 7, और इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन का एक, 3 वो का है, तो 3 = 10, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गया कितना, 10। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि 10, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है, कि अगर कोई कहे कि 10 अणु अमोनिया में कुल इलेक्ट्रॉन, इसलिए 10 अणु NH3 में कुल इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलेंगे, एक अणु में है 10 इलेक्ट्रॉन, अणु कितने हैं 10, तो क्या हो जाएगा 10 × 10 =
100, तो 10 अणु अमोनिया ले लें तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 100। आइए कुछ यहां समझते हैं, यहां देखिए अब कुछ और बातें लिखा हुआ है। मान लीजिए कि 3.4 क्वेश्चन है, 3.4 ग्राम NH3 में कुल परमाणु और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ये लिखा हुआ, तो स्टूडेंट्स आप समझिए, आंसर कर रहा हूं। देखिए NH3 इसकी अणु भार पता लगाइए, तो हो गया 7 × 14 आप प्लस हाइड्रोजन के लिए 3 = 17। तो आप लिखेंगे कि चूंकि 17 ग्राम NH3 = 1 मोल, यही बात हुई थी ना पिछले क्लास में, आ 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 × 10³³। ये हो गया अणु, इतने क्या हो गया, अणु हो गया। तो अब हमें देखना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास 3.4 ग्राम अमोनिया है, पता लगाना है उसमें से कि अणु नहीं परमाणु कितने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यह पता लगा लेते हैं कि 3.4 ग्राम में कितने जो हैं अणु हैं। और जब अणु पता चल जाएगा तो आपको पता है कि एक अणु में 4 परमाणु हैं, तो उसे 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि 17 ग्राम NH3 = 6.022 × 10³³ अणु, 17 ग्राम इतने अणु हैं, इसलिए अगर 1 ग्राम हो जाता तो कितने हो जाते हैं, 6.022 × 10³³ और बटा 17, लेकिन कितना है हमारे पास, 3.4 ग्राम। तो 3.4 ग्राम का मतलब हुआ 6.022 × 10³³ हो गया, गुने हो गया 3.4, तो 17 × 34.2 से कट गया, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए ये 10³³ तो उतर ही जाएगा, साथ में 2 × 4, 2 × 2 हो गया 4, 0 × 6 = 12, तो 3 × 1 = 4 यहाँ पर हो गया, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 0.5 हो गया, इतना हो गया अणु कितने में, 3.4 ग्राम में, 17 ग्राम में था इतना, 3.4 ग्राम में इतने अणु हैं। अब देखिए कि एक अणु में कितने परमाणु है, 4, तो इसलिए कुल परमाणु हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इसलिए यहाँ जगह नहीं बच रहा है स्टूडेंट्स, कुल परमाणु इक्वल टू हो गया 4 × 1.2 × 10³³ आप गुना कर देंगे, 4 × 16 × 16 = 17, फिर यहाँ पर हो जाएगा 42 × 48, आप आराम से इसको गुना करके और यहाँ पर लिख देंगे, जो भी होगा वही आपका आंसर होगा, उतारिए जगह नहीं है। आइए स्टूडेंट्स और कुछ समझते हैं, आप यहाँ पर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ना, 4 से गुना कर दिए जो अणु का संख्या था तो परमाणु निकल गया, उसमें इलेक्ट्रॉन भी निकालना था, तो जब परमाणु निकाल लिया आपने या जो अणु निकल गया था आपको, तो देखना है कि एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। आइए आप यहाँ पर देखिए उसी तरह के और सवाल बना देते हैं, यहाँ पर्याप्त जगह है, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जल है, तो सबसे पहले आंसर कर रहा हूं, 1.8 ग्राम जल में निम्नलिखित चीज की गणना करना, बताना कितना मोल है, कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो सबसे पहले जो H2O है, आप पता लगाइए कि H2O 2 ग्राम प्लस 8 × 16 = 18, तो आप लिखेंगे कि चूंकि 18 ग्राम
H2O बराबर 1 मोल बराबर 6.022 10^23 अणु, जल अणु है ना, इतना अणु हो गया। तो अब देखना है मुझे मोल निकालना है, तो ए में देखिए ग्राम दिया गया हमें कि मोल पता करना है, तो देखिए ग्राम और मोल तो लिखेंगे कि चूंकि 18 ग्राम H2O बराबर 1 मोल, इसलिए अगर 1 ग्राम रहता तो बिल्कुल मैथ बचपन में सीखे थे मैथ वाला भाषा है, इसको डायरेक्ट सूत्र भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए 1.8 तो 1.8 कितना हो गया ये 0.1 मोल। तो पहले सवाल का तो आंसर हो गया 0.1 मोल। आइए बी में पता करते हैं कि बी का क्या जवाब होगा, हमें अणु पता लगाना है। तो देखिए ना कितना सिंपल है, 1 मोल में इतने अणु हैं, या कहिए कि ग्राम से भी ले लीजिए 18 ग्राम में इतने अणु हैं, तो हमारे पास चूंकि मोल पता चल गया मैं डायरेक्ट मोल से भी निकाल सकता हूं अथवा अणु से भी निकाल लीजिए। तो अगर मोल से निकालना होगा तो हम कहेंगे कि 1 मोल में इतने अणु हैं इसलिए इतना मोल आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, या अगर ग्राम से ही मान ले कि आप नहीं चाहते हैं मोल पे ना जाएं, हम ग्राम से ही निकालना चाहते हैं अणु, तो 18 ग्राम में इतने और इसलिए 1.8 ग्राम में, उसी तरह के सेम हो जाएगा। देखिए ग्राम से ही निकाल देते हैं, चूंकि 18 ग्राम H2O बराबर 1 मोल बराबर कितने अणु है 6.022 अणु हो गया 18 ग्राम में, इसलिए 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, तो 6.022 10^23 अणु और डिवाइडेड बाई 18, लेकिन हमें कितना में निकालना है अणु, तो 1.8 ग्राम में, तो मल्टीप्लाई हो गया 6.022 10^23 1.8, आप समझिए किस तरह से 18/10। तो ये 1.8 को लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये कट गया, देखिए ऊपर है 10^23 का मतलब होता है 10 × 10 × 10 कितना 10 23 × 10, नीचे क्या हुआ 1 हो, तो 23 में से कट के 22 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 22, तो कितना हो जाएगा ये 6.022 10^22 अणु, ये अणु है ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब है सी में हमें परमाणु निकालना है, तो आपको देखना होगा कि इसमें कई गो परमाणु है, एक अणु है ना, एक अणु H2O बराबर देखिए 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, कुल मिला के कितने हैं 3 हैं, 3 एटम, तो एक अणु में 3 परमाणु, तो इतने अणु है तो नहीं पता चल जाएगा। एक व्यक्ति में 2 हाथ हैं तो 2 दर्जन व्यक्ति में नहीं पता चल जाएगा कि कितने दर्जन हाथ हुए, चाहे कितनी संख्या में हाथ हुए। तो उसी तरह से सी में चूंकि H2O के एक अणु में परमाणु बराबर 3, इसलिए 6.022 10^22 अणु में परमाणु मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर 3 × 6.022 10^22 अब एटम्स हो गया ना, मल्टीप्लाई करके दिखा दें 10^23 को ज्यों का त्यों लिखिए, सॉरी 22 है, अब गुणा करिए 3 × 6 3 × 0 0 और 36 18, इतने एटम्स हो गए आंसर। अब निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो देखिए फिर यहाँ से एक अणु है, ये एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 8, 10 इलेक्ट्रॉन है ना स्टूडेंट्स, तो एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास अणु कुल मिलाकर कितने हैं, इतने हैं, सॉरी तो परमाणु हो गया, अणु तो आपके पास ही है ना, तो जब इतने अणु है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिखेंगे चूंकि H2O के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट्स 10, एक अणु में इलेक्ट्रॉन है 10, तो इसलिए कुल इलेक्ट्रॉन
कूल, इसलिए ऐसे लिखेंगे, इसलिए 6.022×10²² अणु में इलेक्ट्रॉन क्या करें बोलिए, 10×6.022×10²² इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 10 फिर 23 हो गया सिर्फ, 6.022×10²³ इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हो गया। हाँ, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल मैं तरीके से कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ बिल्कुल सिंपल मेथड पे। आप इसको नोट करिए और फिर एक छोटे से सवाल के जरिए आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 2.4088×10²² अणु CH4 में मोलों की संख्या क्या है। अणु का संख्या दिया गया, मोल पता लगाना है, कौन सी है तो CH4 है। तो देखिए ध्यान से आंसर, देखिए ये है CH4, तो CH4 का मतलब हो गया कि कोई भी पदार्थ हो, CH4 क्या कोई भी पदार्थ अगर एक मोल रहता तो उसका तो कितने अणु फिक्स है ना, तो लिखेंगे आंसर में CH4 के 6.022×10²³ अणु बराबर कितना मोल, एक मोल। लेकिन हमको तो दिया गया इतना को पता लगाना है, तो इसलिए अगर एक अणु रहता तो ये कितना मोल हो जाता बोलिए, 1/6.022×10²³ मोल हो जाता। लेकिन आपको एक अणु तो नहीं ना दिया गया, आपको दिया गया इसलिए 2.4088×10²² अणु इक्वल टू कितना हो जाता, 1/6.022×10²² इंटू 2.4088×24। तो देखिए सबसे पहला काम स्टूडेंट्स की ये है, 23 ऊपर है 24, ये कट के 10 हो गया। अब देख रहे हैं ये 6×6=24, 4×2 के देखिए 4×2=8, 4×2=8, 6×6=24, ये कितने बार में कट गया, तो ये हो गया आपको 0.4 बार, मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 4 मोल, ये मोल है ना, और इस तरह से कट गया 4 मोल आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इतने अणु दे दिया गया CH4 या चाहे किसी भी चीज़ का होता तो कितना मोल होता, 4 मोल। तो इसका मतलब अगर अणु देंगे तो मोल निकाल लेंगे, अगर इसका द्रव्यमान दिया रहता तो मोल निकाल लेते, मोल दिया रहेगा तो अणु निकाल लेंगे, मोल दिया अगर रहेगा तो द्रव्यमान निकाल लेंगे। जैसे एक और यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिखूँ, 160 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या, NaOH में मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या क्या है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको पता लगाना होगा जो NaOH है ये इसका मोलर द्रव्यमान क्या है। तो देखिए सोडियम के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16, और ये हो गया 1, 17 और 23 कितना हो गया 40। तो आप लिखते 40 ग्राम NaOH बराबर 1 मोल, इसलिए अगर 1 ग्राम हो जाता तो 1/40 मोल हो जाता है ना स्टूडेंट्स। लेकिन हमारे पास कितना है 160 ग्राम, तो 1/40 और 160 जीरो से कट गया, 4×16 हो गया, ये हो गया 4 मोल। अब देखिए यहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल रहे होंगे कि अगर द्रव्यमान दिया गया भार बटा अणु भार, मोल का ही सूत्र होता है ना किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको मोल निकालना हो, मोल तो दिया गया
दिया गया द्रव्यमान, अब बटा मोलर द्रव्यमान, अब डायरेक्ट यहां से निकाल लीजिए इस सूत्र से। एक क्वेश्चन स्टूडेंट से यहां और लिखा हुआ है, 100 मोल यूरिया में अणु की संख्या बताना, बहुत आसान है। देखिए पहले तो यूरिया का सूत्र जान लीजिए, हालांकि यहां पर कोई जरूरत है, NH2CO NH2, ये हो गया यूरिया। कितना मोल है? 100 मोल। तो आपको पता लगाना, अणु परमाणु निकालना होता है तो गिनना होता है इसमें कितने कुल परमाणु हैं, लेकिन अणु ही निकालना है तो सीधे से आप लिखेंगे कि चूंकि 1 मोल यूरिया इक्वल टू 6.022×10²³ अणु, तो सीधे कितना मोल है? 100 मोल। अगर यूरिया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100×6.022×10³ हो गया कितना? 3×5 बढ़ जाएगा 6.022 और हो गया ये 25 अणु यूरिया हो गया। स्टूडेंट्स इस तरह से आप मोल कंसेप्ट के जो सिंपल सवाल है आप आराम से बना सकते हैं। मैं आप लोग को एक सूचना देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप उसके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर है 9835806582। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने टाइम ले सकते हैं कि कितने बजे आपका क्लास चल रहा है। 11 क्लास के जो बच्चे हैं ये, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, 12 क्लास के लिए दूसरा बैच चलता है। तो ये है व्हाट्सएप नंबर, आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मुझसे। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी अगले बैच में। एक्चुअली जो आपके बैच के होंगे ना, उनको पहला जो चैप्टर है ये बेसिक के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम है, मैं चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन भी उनको प्रैक्टिस कराते रहूँ, सवाल बनाते रहूँ और थ्योरी कुछ मैं जो है यूट्यूब पर डालता रहूँगा, लेकिन सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कठिन से या कहिए कि कम्पटिटिव सवाल बनाने के लिए ऑनलाइन आपसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर पढ़ाया जाए। तो हमारी और आपकी भेंट अगले बैच में अगले वीडियो में होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।